हेलो माय डियर इंक्विजिटिव किड्स। सो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अब आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए ये जानने के लिए कि सुनील सर, हम अपना पेन टिप या पेन नेप बुलेट घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको पूरी तरीके से सिखाऊंगा और आखिरी में मैंने वो वीडियो एक और डाला है। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट देखा, ऐसे इसके टोटल दो पार्ट है जो आखिरी में है, तो प्लीज उसको आप देखिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात जो है, प्लीज डोंट परफॉर्म दिस विदाउट दी अडल्ट सुपरविजन। आप प्लीज अपने मम्मी पापा की गाइडेंस में और उनकी परमिशन से ही इसको घर पे करेंगे, ठीक है? उसके बिना मत कीजिएगा, वरना आपको भी लग सकती है और सामने वाले को भी लग सकती है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो व्हाट यू एग्जैक्टली नीड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो पहली चीज, यू नीड अ बॉल पॉइंट पेन टिप, अ बॉल पॉइंट पेन निब, ठीक है? सेकेंड इज अ सेफ्टी मैचस्टिक बॉक्स। अब ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि भाई सेफ्टी मैचस्टिक क्या होती है और स्ट्राइक एनीवेयर मैचस्टिक क्या होती है, ठीक है? द थर्ड थिंग दैट यू रिक्वायर इज अ नाइफ, अ कैंडल, अ सेफ्टी पिन एंड अ कंपस। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे कि ये मेरे पास मैच बॉक्स है, ये आपको चाहिए जिसमें मैचस्टिक्स हो, ठीक है? एक बॉल पॉइंट पेन का टिप या फिर निब, एक कैंडल आपको चाहिए, एक नाइफ आपको चाहिए, एक कंपस आपको चाहिए और एट द एंड आपको एक क्या चाहिए, एक सेफ्टी पिन चाहिए। ये सारी चीजें आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए चाहिए, जिनके इमेजेस भी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है बेटा? अब देखिए आपको इसको करना कैसे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, आपको उस पहले स्टेप में करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये आपको ऐसे मैचस्टिक्स लेनी है बहुत सारी। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूं, जो कि आपको शायद पता भी है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगी, कि ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, ये तो आपका एस्पेन वुड से बना है, पैराफिन वैक्स की कोटिंग है। ये वाले पार्ट से हमको मेजरली काम है कि ये मैच हेड है, जहां पर आपका क्या होता है, दिस कंटेन्स द फ्यूल, This contains oxidizing agent, this contains dye, this contains binder, this contains the fire retardant. अभी major काम हमें किससे, fuel से हमें major काम है, जो कि हमारा है antimony trisulfide. तो पहले step में क्या करना है सुनील सर? पहले step में बेटा आपको क्या करना है, इस fuel को ऐसे धीरे धीरे scratch करते हुए क्या करना है, आपको इसको निकालना है इस matchstick से, okay? So the very first step is very very simple. और उसी फर्स्ट स्टेप का एक सब पार्ट भी है जो मैं आपको बताऊंगा। आपने इसको निकाला, अब जब आप इसको निकालते हैं ना, ये थोड़े से पीसेस बड़े हैं साइज में, राइट? ये थोड़े से पीसेस बड़े बड़े हैं साइज में। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन द पाउडर फॉर्म, दैट इज इसको हम बोलते हैं पल्वराइज्ड फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। अब पल्वराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई राउंड ऑब्जेक्ट है और आप इसको लीजिए और इसके ऊपर ऐसे रोल कराने लग जाइए, ये पल्वराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले स्टेप के दो सब पार्ट्स हैं, वो मैंने आपको समझा दिए। सेकंड और थर्ड स्टेप में सुनील सर हमको क्या करना है, प्लीज आप हमें बता दीजिए। सेकंड और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपने ये जो बॉल पॉइंट पेन का निब या फिर टिप है, ये आपने रिफिल से निकाल दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा। भाई इसके अंदर अभी क्या है, इंक है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, तभी तो आप इसके अंदर फ्यूल भरोगे। क्लीन कैसे करना है, ये देखिए, इस पेन को आप इसके अंदर ऐसे, ये आपकी जो सेफ्टी पिन है, इसको इसके अंदर डालिए और कपड़ा लीजिए और उसको ऐसे पोंछ दीजिए। ऐसे करके आपको करना है, एक बार आप इसको वॉश भी कर सकते हैं और फिर फटाफट आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड स्टेप में मैंने आपको दिखा रखा है कि देखिए, मैंने जो सेफ्टी पिन है इसको नीडल में आपकी पेन टिप में डाला और फिर मैंने उसको निकाला है, वहां पर आपको इंक दिखाई दे रही है, फिर मैंने उसको पोंछ दिया है। सिर्फ तीन स्टेप हो गए। अब फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है, कि जो हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म में, जो हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म में हमारा फ्यूल है, उसको हमें क्या करना है, इस जो हमारी पेन टिप या फिर जो पेन की निब है, इसके अंदर फिल करना है। तो आप क्या करेंगे, एक सरफेस पर रखेंगे और धीरे 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 इसको इसके अंदर फिल कराते जाएंगे। अब जैसे ही बाहर वाला सरफेस आपका भर जाए, आप क्या कीजिए, ऐसे नीडल से उसको अंदर की तरफ प्रेस कर दीजिए। सो दिस विल क्रिएट मोर स्पेस फॉर यू। ऐसे आप कंटिन्यूअसली करते जाएंगे जब तक आपको लगेगी, हाँ भाई अब अच्छी तरीके से, अच्छी क्वांटिटी में फ्यूल भर गया है, आप इसको बढ़िया तरीके से इसके अंदर ऐसे फिट कर देंगे। अभी इसके अंदर फ्यूल नहीं है, आप इसको बढ़िया तरीके से ऐसे फिट कर देंगे और फिर कंपास को इसके अंदर ऐसे डाल देंगे, ठीक है? और फिर आप इसको ऐसे कैंडल के ऊपर, ये कैंडल यहां पे जल रही होगी, इसके ऊपर इसको ले जाके रख देंगे। जब आप इसको ऐसा करेंगे, ठीक है, ये अभी जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, ये आपका कैंडल का फ्लेम है, राइट? अब ये फ्लेम ऊपर क्यों जाता है, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ कंबशन, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब ये रहा आपका, ये जो है आपका पेन टिप है, जिसके अंदर हमारा जो फ्यूल है एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड वो अवेलेबल है। जैसे हम इसको हीट करेंगे, सो वी आर गिविंग इट द टेम्परेचर दैट इज अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है? और होगा क्या, एक्सप्लोजन होगा, विच इज अ टाइप ऑफ कंबशन।
अब प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड और SO2 गैस निकलेगी, है ना। एंटीमोनी ट्राई सल्फाइड को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने जलाया, एसिड विल प्रोड्यूस एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड प्लस SO2 प्लस हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी भी जनरेट होगा, जस्ट बिकॉज कि जब ये गैस निकलेगी तो इट विल रैपिडली एक्सपेंड, ठीक है, रैपिडली एक्सपेंड करती है बच्चा, एंड दैट क्रिएट्स द अकॉस्टिक ब्लास्ट, जिसके बारे में मैं आपको सेपरेट सेशन में बताऊंगा, ठीक है। अब होगा क्या, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्स है, एक्शन फोर्स लगा, रिएक्शन फोर्स की वजह से आगे की तरफ मूव करती है, दैट इज द बेसिक साइंस बिहाइंड दैट पार्ट, ये मैंने आपको बार बार पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो अब आप प्लीज वीडियो को एंजॉय कीजिए, देखिएगा किस तरीके से मैंने किया हुआ है, और प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा टू टेल मी योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। चलो चलिए।